रोजाना हजारों की संख्या में लोग नोएडा आते जाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग या तो मेट्रो से सफर करते हैं या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। लेकिन अब आपको नोएडा तक पहुँचने के लिए यातायात का एक और साधन मिलने वाला है, जिसमें आप आसमान में उड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। अरे अरे अरे, हम हवाई जहाज में सफर करने की बात नहीं कर रहे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा क्या होने वाला है जो अब नोएडा का सफर बिना हवाई जहाज के भी हवा में तय किया जाएगा। तो इसका जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। छब्बीस तक भारत में एयर टैक्सियां शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से इसकी शुरुआत की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। इस योजना को पहली बार दिल्ली NCR में शुरू किया जाएगा, जिसमें 6 रूट पर एयर टैक्सी संचालित करने की योजना है। ये रूट होंगे दिल्ली से गुरुग्राम, दिल्ली से नोएडा, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से मेरठ एयरपोर्ट, दिल्ली से रोहिणी हेलीपोर्ट। इसके लिए NCR में 48 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए अभी 2 साल का समय लग जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होने वाला है जिनका रोजाना नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम आना जाना होता है। इसके आने से हर रोज दिल्ली NCR के शहरों के लोग 6 से 12 मिनट खर्च कर एयर टैक्सी के माध्यम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे। इस विषय पर हमारी टीम ने नोएडा वासियों से खास बातचीत की। इस योजना के आने से नोएडा में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नोएडा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।